नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल, सेफ स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट से। मैं आप लोगों को क्या क्या एलिमेंट है, कैसे स्क्रीनिंग कर सकता है, कैसे स्क्रीनिंग करने के लिए सुविधा वो बोल रहा हूँ था। और अभी वो जो मैं व्यू देता हूँ उसको मैंने स्क्रीन करके दिखा रहा था। तो ये प्रोबेबिलिटी वन को मैंने स्क्रीनिंग किया, इसके बाद प्रोबेबिलिटी टू को देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी टू को मैंने स्क्रीनिंग किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्री को स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फोर को स्क्रीन कर लेते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग आता है, जो ट्रेंड आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा वेरियस टाइम फ्रेम पे। जब एक ही आप लोगों को ट्रेंड दिखेगा तो प्रोबेबिलिटी नेचुरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। और इसको और किसी तरीक़े से कर लेता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होने से थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा आएगा, तो वोलेटिलिटी को थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं। देन इक्वल टू 1.5 रखते हैं और देखते हैं और कैसे किस तरीके से स्क्रीनिंग कर किया जा सकता है। ये देखिए न्यू हाई लो बनाया, तो इसको स्क्रीन कर ले सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस जब 52 एक छोड़ देता है 3 टाइम फ्रेम में देखेगा तो इसका ठीक है, सफिशियंट है। और देखिए शॉर्ट टर्म का हिसाब से पिवट पॉइंट और R1 और R2 के बीच में है। और पोजिशनल ट्रेड का हिसाब से देखिए पिवट पॉइंट और R1 R2 के बीच में है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये R1 R2 R2 R3 के बीच में है ये तीनों। और इंट्राडे का हिसाब से भी अप ट्रेंड में है, तो ये तीनों का आप लोग नोट कर सकते हैं इसका बाय सेल लेवल। मेरा जो रिकमेंडेशन सीट और वाई पेपर्स में मैं जो व्यू देता हूँ उसका लेवल कुछ अलग रहता है। उसमें आप लोगों को ज़्यादा पहले से पोजीशन लेना का मौका मिलेगा। तो ये देखिए इतना सब आप लोग को एक पैकेज निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लेवल आप लोग देख सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल देख सकता है। मेरा रिकमेंडेशन और तो पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ इसमें क्या क्या कैसे स्क्रीनिंग कर सकता है। तो ये सोच लीजिए कोई आप लोग जो चार्ट एनालिसिस करने का इतना ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इधर से आप लोग सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। और ये ट्रेंड देखने का जो मैंने प्रोबेबिलिटी बनाया है इसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन है तो इसमें ट्रेंड 100% सही दिखाएगा। और भी तरीका जो मैंने इधर पे चेंज इन प्राइस देख सकता है, वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कैसे दिखना है वो भी आप लोगों को दिखाएगा। और इधर रिवर्सल पॉइंट जो है वो भी दिखा दिया। तो जो लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग सभी में आप लोग को एक ही पैकेज एक ही छत के नीचे आप लोग एक ही फ्रेम पे आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।